नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मजेदार सी टमाटर कचुंबर चटनी। बहुत ही टेस्टी बनती है, इसको हम 2 से 3 दिन तक बनाकर खा सकते हैं और ये बिल्कुल सही रहती है। तो बहुत ही टेस्टी चटनी है, बहुत ईजी है बनानी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक कोई भी पतीले में या कढ़ाई में आप टमाटर ले लीजिए। तो मैंने ये आधा किलो के करीब जो है बिल्कुल लाल लाल से टमाटर लिए, इस तरह से बिल्कुल रेड कलर के जो है हमने टमाटर देने। और ये मैंने जो है हाफ केजी के करीब यानी कि ग्राम में देखा जाए तो 500 ग्राम मैंने जो है ये टोमेटो देनी है। अब गैस को मैंने नीचे से कर दिया ऑन और इसमें मैं डाल दूंगी पानी। सो आधा कप जो है हम इसमें पानी का डाल देंगे और इसको हमने इसमें जो है एक बॉईल आने देना है। जितनी देर तक इसमें बॉईल नहीं आता है उतनी देर तक हम इसको ढककर रखेंगे। तो बॉईल आने तक हम इसको ढककर रखेंगे। तो बॉईल इसमें आ चुका है, चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए बॉईल इसमें आ गया है। अब हम इसको हल्का सा स्पून की हेल्प से इसको हिला देंगे, उधर पलट कर देंगे, ऊपर की साइड नीचे कर देंगे और नीचे वाली ऊपर कर देंगे और हल्के फ्लेम में जो है इसको रख देंगे। हल्के फ्लेम के लिए हमें रख के इसको हमने 2 से 3 मिनट तक इसको गैस पे रखना। तो 2 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से ढके रहने देंगे जब तक ये हल्का ठंडा ना हो। चेक कर लेते हैं कि हल्के ठंडे जो है हो चुके हैं और इसको इस तरह से अगर निकालेंगे तो इसके छिलके जो है आसानी से निकल जाएंगे। देखिए तो हमने इसके सारे छिलके जो है इस तरह से निकाल लेने हैं। ये देखिए तो सारे टमाटर के छिलके जो है हम इस तरह से निकाल लेंगे और सारे इस तरह से टमाटर निकाल कर छिलके, सारे टमाटर का छिलका जो है हमने निकाल लिया। अब टमाटर को इस तरह से जो है हमने आधा पीसेस में कट कर लेना है इस तरह से और इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो चॉपर में चॉप मैंने जो है टमाटर को चॉप कर लिया इस तरह से। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इस कढ़ाई हमने गर्म कर ली है और इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप घर में यूज करते हो एक बड़ा चम्मच डाल दें और इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। तो 8 से 10 प्लेट जो है हम लहसुन के डाल देंगे और एक छोटा टुकड़ा जो है हमने अदरक का डाल देंगे और इसको जो है हमने हल्का हल्का सौते कर देंगे। जब ये हल्का हल्का इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए मैं इसमें डाल दूंगी 2 सूखी लाल मिर्चें। इसके बाद ये जो हमने टमाटर का चॉप किया था वो टमाटर हम जो है सारे इसमें लगा देंगे। मिक्स कर देंगे, गैस को हमें बिल्कुल हल्का कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसे डालूंगी साथ ही 1/3 स्पून राई का। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, साथ ही हम 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 स्पून हम इसमें चीनी डाल देंगे, ये खट्टेपन को बैलेंस करेगी। मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम तेज कर देंगे। इसके साथ ही इसमें अब हम डालेंगे लाल देगी मिर्च 1/2 चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इस तरह से प्रेस करते हुए दबाते हुए अच्छे से इसको पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमारा फुल है और इसको हमने प्रेस करते हुए अच्छे से पका लेना। बस आधे मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे और गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे। आधा मिनट हो गया, चेक कर लेंगे। लीजिए रेडी है, बस कुछ सेकंड्स के लिए 20 सेकंड्स के लिए इसको फुल फ्लेम में इस तरह से पकाएंगे। अब देख सकते हो कितनी जो है चटनी मजेदार सी लग रही है, इसकी रंगत बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके साथ साथ जो बारीकी के साथ हमने जो वेजिटेबल्स कट करी हैं और इसके अंदर डाली हैं ये इसको और कलरफुल बना रही हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है और इसे हम सैंडविचेज में डालकर खा सकते हैं, सैलड एज ए सैलड खा सकते हैं, इसको आप इसी तरह से भी खा सकते हो और बहुत ज़्यादा ये फिलिंग और आपको टेस्टी लगेगी। जो लोग डाइट में हैं वो इसको आप इजीली ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ में से खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब मैंने लिया है एक खीरा, छिलका उतार के हमने इसको जो है बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया। एक हमने प्याज लिया, थोड़ा सा हमने पुदीना लिया और धनिया लिया, फ्रेश धनिया, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब ये ठंडा हो चुका है और इसको हम शिफ्ट कर देंगे एक बोल में। तो कोई भी एक बोल इस तरह से ले लेंगे और ये सारा जो हमने चटनी बनाई है ये टमाटर की इसके अंदर हम शिफ्ट करेंगे। बस हल्की हल्की सी ये गर्म है, बस इस तरह से हमने हल्की हल्की जो है इसको गर्म रहने देना। तो लीजिए ये प्यूरी जो है हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दी बोल में। इसके अंदर डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज, खीरा डाल देंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ और बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। पुदीना बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा डालेंगे फ्लेवर के लिए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, इससे भी फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना, आप देखते हो कितना ये कलरफुल सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टेस्टी है, लग रहा है ना बढ़िया। तो इसको आप एंजॉय कर सकते हो ये कचुंबर चटनी को, इसको कचुंबर चटनी बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी लगती है, पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इसको बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हो और 3 से 4 दिन तक आप इसको एंजॉय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
उसे बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी रेसिपी। पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।